महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। गुरु भाई बहना, राजा जो थे बड़े कंजूस राजा थे, लेकिन राजा साहब बड़े धनी अमीर थे। राजा कभी किसी को दानपुर नहीं करते थे और ना ही तो कोई प्रकार के कोई खर्च करते थे। गुरु भाई बहना, राजा साहब का एक बेटा था और एक बेटी थी। राजा साहब का राज बड़ा था, राजा साहब के प्रजा बड़ी दुखी रहते थे और राजा को कंजूस राजा कहते थे। गुरु भाई बहना, राजा साहब का एक बेटी जो थी 30 वर्ष की थी, वो कुवारी थी। प्रतिदिन वो बेटी जो थी शिव मंदिर जाया करती थी और जाकर जल चढ़ाती थी, पूजा करती थी और भगवान से ही कहती थी कि हे भगवान, मैं तो आपका एक शिशु हूं, लेकिन मेरे पिता में ऐसा क्या है जो मेरे पिताजी विवाह नहीं कर रहे हैं मेरा। मैं अपने पिता के सर पे एक बोझ बन के बैठी हूं। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा खर्च के कारण अपने बेटी का कुमार ही रखे हुए थे। गुरु भाई बहना, राजा को जो बेटा थे, मन ही मन बड़े क्रोधित रहते थे अपने पिता के ऊपर। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। गुरु भाई बहना, राजा का कंजूसी बढ़ता जा रहा था। सिर्फ राजा साहब बेटी के लिए तन पे कपड़े, अपने बच्चे के कपड़े और भोजन, इसके अलावा नहीं पढ़ाई लिखाई और नहीं और कुछ, कोई प्रकार के अलग खर्च, घूमने फिरने का कुछ भी नहीं। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना, कि लड़की पूजा करते करते और भगवान के सर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अपने सर पटकने लगी और सर पटक पटक के और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। गुरु भाई बना, मंदिर बिल्कुल अलग सुनसान जगह पे था। वो लड़की चिल्ला चिल्ला के, पटका पटका के जब रोने लगी तो गुरु भाई बना, रोते रोते पूरा दिन बीत गया। लड़की का सर फट गया और रक्त से लहू लहान भगवान के मंदिर में हो गया। लास्ट में वो लड़की, राजा की बेटी, बेहोश गिर गई। जब गुरु भाई बहना बेहोश गिर गई तो भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पे ध्यान लगाए हुए थे और अचानक उनका ध्यान टूट गया। जब गुरु भाई बहना ध्यान टूटा तो भगवान अचानक कहते हैं कि ये तो अनर्थ होने वाला है, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मुझे इसी वक्त जाना होगा। पार्वती कहते हैं कि महाराज, आप तो कितने देर से तपस्या में लीन थे, लेकिन अचानक आप कह रहे हैं कि मुझे इसी वक्त जाना होगा। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक मेरा शिष्य है जो मंदिर में लहू लहान पड़ी है, उस शिष्य का जीवन दान देना होगा। यदि मेरा मंदिर में उसका प्राण निकल जाएगा, मर जाएगी, तो मेरा पूजा पाठ कोई नहीं करेगा और मुझे डाकू हथियारे कहेंगे। गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं कि महाराज, आपके साथ हम भी चलेंगे, हम अकेले इस पर्वत पे नहीं रहने वाले हैं। आपका भला भूत, बैताल, नाग सब मुझे
नहीं नहीं हम इस पर्वत पे रहने वाले नहीं हैं, अकेले। भूत आएगा, अहंकार करेगा, नाग है जो फाई फाई करेगा, बसा है जो हुकार मारेगा, ढूस मारेगा। हम पर्वत पे अकेले नहीं रहेंगे। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ अपने पत्नी अर्धांगिनी गौरी पार्वती को बहुत समझाए, लेकिन गौरी नहीं माने और शंकर जी के साथ चल दिए। गुरु भाई बहना जब शंकर जी के साथ चलने लगे तो शंकर जी कहते हैं कि पार्वती आप एक नाटिन का भेष रख लीजिए, बना लीजिए, ऐसे नहीं जाना होगा इस रूप में। कहते हैं पार्वती की महाराज हम नाटिनी यही शर्त पर बनेंगे कि आप नट बन जाइएगा, तभी हम नटिन बन सकते हैं। बोले कि तो ठीक है। गुरु भाई बना भगवान भोलेनाथ एक नट का रूप धारण कर लिए और पार्वती एक नटिन का रूप धारण कर लिए और दोनों वहां से चल दिए। चलते 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 गुरु भाई बहना उसी मंदिर में पहुंच गए और उसी मंदिर में पहुंचकर इस लड़की के मुंह पे पानी मारे। सबसे पहले तो जो मंदिर में रक्त था, ये जो पार्वती थे, पार्वती पानी से मंदिर को पूरा धो दिए, जिसमें मंदिर का रक्त सब धूल जाए पता नहीं चले। इसके मुंह पर पानी का छींटा मारे, लड़की उठकर बैठ गई, अपने सर पर हाथ फेरी तो उसका सर फूटा हुआ नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ थी। अब वो सोचती है कि नहीं, इस रूप में कोई और नहीं है, भगवान है। कहते हैं कि भगवान एक बालक के रूप धर के भी आते हैं, तो ये कोई और नहीं है, ये भगवान है। गुरु भाई बहना ये जो लड़की थी भगवान रूप भेष बदले हुए भगवान के चरण में धर के लपट के और कहती है कि हे महाराज हम मरने वाले थे तो आप मेरा जान क्यों बचाए। भगवान कहते हैं कि बेटी मैं एक नट हूं, गांव गांव अपने सर्प का नाच दिखाता हूं और नाच कर दिखाता हूं अपना नाच भी। मेरा पत्नी भी नाचती है, हम भी नाचते हैं और नाच दिखा के गांव गांव घूम के मांगते खाते हैं। भगवान का आशीर्वाद लेने हम इस मंदिर में आए, तुम्हें हम मंदिर में पड़ा देखकर मुझे मोह लग गया तो पानी के छिट्टा मारकर होश में ले आए। बोलो तू क्यों भगवान के मंदिर में जान देना चाहती हो। गुरु भाई बहना ये लड़की बोली हे भगवान, हे महाराज आप जब भगवान नहीं हैं तो मेरा आराधना सुनिए। मेरे पिता बहुत कंजूस हैं और कंजूसी के कारण मेरे पिताजी मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं। मेरा जो विवाह नहीं करेंगे, मेरा 30 वर्ष से ज्यादा हो गया है और मैं कुंवारी बैठी हूं। मेरा से छोटा छोटा जो है वो विवाहित जीवन अपने खुशी बिता रही है, उसका जीवन सुखी में बीत रहा है और मैं एक राजा का बेटी हूं, लेकिन मेरे पिताजी घर में रखे हैं। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ बोले कि तो तुम्हारे पिता को मैं क्या कहूं। कहते हैं लड़की की महाराज कुछ ऐसा कीजिए जिसमें मेरा पिता मेरा विवाह कर दे। गुरु भाई बहना ये भगवान बाया रूपी भगवान बोले कि जाओ पुत्री तुम अपना घर जाओ, हम रात्रि में तुम्हारे घर आएंगे। गुरु भाई बहना ए भगवान जो थे एक नट का नाचने वाला का रूप धर लिए और माता पार्वती क्या करते थे कि दो खुट्टे गाड़ कर बीच में तनुआ बना के रस्सी घी तान के और उस पे चढ़ के अपना कला दिखाते थे। अनेक प्रकार के भोले बाबा कला दिखाते थे और कथा कला दिखाते दिखाते राज दरबार में शाम के समय में पहुंच गए। गुरु भाई बाना जब शाम के समय में पहुंच गए
तो जितना राजा के नौकर चाकर था वो बोला कि हे भगवान, हे राजन, एक नाच दिखाने वाला आया है, यदि आप भी नाच देखते और हम लोग भी नाच देखते तो अच्छा लगता। बड़ा सुनहरा रात आज का रात बीतता। गुरु भाई बहना, उस दिन राजा बोले, आज मेरे पास वक्त नहीं है, हम आज किसी कीमत पर नाच नहीं देखेंगे। राजा को लगा कि यदि आज टाल देंगे तो ये नाचने वाला जो है सफेरा नट नटिन चली जाएंगे, मेरे घर से दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। और नट और नटिन बोलते हैं कि ठीक है राजन, हम कल के दिन आपका द्वार पे आ जाएंगे ना अपना कला दिखाने के लिए। गुरु भाई बहना, रात बिता और सवेरा हुआ और नट और नटिन सवेरे होते ही दोनों द्वार पर आ खड़े जुम गए। कहने लगे, महाराज आज तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, आपको कला दिखा कर रहेंगे। राजा कहते हैं, एक सप्ताह बाद ए नट और नाटिन भगवान, उन्हें जो कहते हैं माया रूपी भगवान थे बदले हुए भेष, कहते हैं कि हे महाराज, आप मुझे एक रुपया नहीं दीजिएगा, कुछ भी नहीं दीजिएगा, लेकिन मेरा कला तो देख लीजिए। गुरु भाई बहना, राजा मजबूर हो गए और मजबूर होकर और बैठ गए देखने को लिए। सारी नौकर चाकर उनके बहुत सारे लोग बैठ गए राजमहल में और नाच होने लगा। नाच होने लगा तो राजा तो देख रहे थे, सारे लोग हंस रहे थे, ठठा रहे थे, लेकिन राजा को एक तिल के लिए हंसी नहीं आ रहा था। गुरु भाई बहना, अब पार्वती कहते हैं कि राजा तो इतना पत्थर दिल का है कि थोड़ा सा आवाज भी नहीं राजा के मुख से निकलता है, राजा का चेहरा से हंसी भी नहीं निकलता है, अब कैसे हंसाऊं। गुरु भाई बहना, ये जो भगवान भगवान के पत्नी गौरी थे वो कहते हैं जाके, ओ पिया मेरा लग गए जिया, ओ पिया मेरा लग गए जिया, रात बीती पर घड़ी नहीं, ओ पिया कब क्या किया, अब क्या किया जाए। गुरु भाई बहना जब ऐसा बात बोले तो ये जो नट थे, नट कहते हैं, ओ त्रिया लग गया मेरा जिया, घड़ी बीती पर रात नहीं, अब कुछ बल बाकी है, देखो क्या क्या होता है। वो बोलती है कि रात बिता पर घड़ी नहीं, लेकिन उसका जो पति है वो बोलते कि घड़ी बीती पर रात नहीं, थोड़ा सा बाकी है, देखो क्या होता है। गुरु भाई बहना, ये जो राजा का बेटा था, गले में उसका हीरो का हार था, वो हार उतार कर और नट को दे दिया। भोले बाबा जो नट बने हुए थे वो हीरो का हार ले लिए और राजा का खून का आंसू गिर गया टप से। हाय रे मेरा नादान बेटा, हीरो का हार उतार कर दे दिया। गुरु भाई बहना, थोड़ी और बिता तो अब थोड़ा सा रात सुबह होने वाला था, पक्षी बोलने वाली थी, सफा हो जाने वाला सूरज के उगने से थोड़ी देर पहले। आवे नाटिन सोचती है कि राजा का तो मुख से आवाज निकला नहीं, हंसी निकला नहीं। इनाटिन कहती है कि ओ पिया, अब तो मेरा लग गया जिया, पूरा रात बीत गया, सूरज का प्रकाश उगने वाला है, लेकिन आपका पत्थर दिल थोड़ा सा भी पिघलने वाला नहीं है। ये जो नट है वो कहता है, ओ त्रिया रात बीत गया, सवेरा होने वाला है, मैं मोम बन जाऊं, अब दीपक जलने वाला है। गुरु भाई बहना, सारा लोग ठठा के हंस गए।
ये जो राजकुमारी बेटी थी उसके पास गले में नौलखा हार था, वो ले जाकर नाटिन का दे दी उपहार में और बोली कि लीजिए आप मेरा उपहार ले लीजिए। गुरु भाई बहना राजा का तो अब लगा कि ये क्या हुआ, मेरा बेटी भी दे दिया इनाम, मेरा बेटा भी दे दिया, यदि हम नहीं देंगे तो सारा लोग मुझ पे मजाक उड़ाएंगे। गुरु भाई बहना राजा जो उठे, हाथ का एक अंगूठी इनाम में दे दिए। इनाम में देने गए तो ये नट जो है वो कहता है, ना 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 ना, मैं ऐसी धन खाऊं नहीं, मैं ऐसी धन खाऊं नहीं, अपना जीवन लेकर चला जाऊं, ऊपर से पाप लगे मेरा जिसके सिर पे बेटी बोझ बनी बैठी हुई है, नहीं नहीं मैं ऐसा धन खाने वाला नहीं हूं। राजा जो थे वो कहने लगे, ऐसा क्या हुआ राजा, आपका अंगूठी में लिखा हुआ है कि आपका बेटी एक बोझ बन के बैठी हुई है, आप जो है विवाह नहीं उसको कर रहे हैं। राजा का आग फटी का फटी रह गया और कहने लगे कि ये सब तुम्हारे, हाँ राजा मैं इतना जो कर्मकीट हो जिसके पास कोई दिल में माया नहीं हो उसका धन नहीं लेंगे, भले आपका राज दरबार में मैं अपना कला दिखाने आया हूं लेकिन ये नहीं कि आपका धन मांगने आया हूं। गुरु भाई बहना राजा जो थे, राजा हाथ जोड़कर पूरा ऐलान किए कि आज ही हम अपना बेटी की रिश्ता के लिए भेजेंगे और अपना बेटी का विवाह करेंगे, कन्या का विवाह अथाह फल है, कन्या कुमारी अपने सिर पर बैठाई हुए नहीं रखना चाहिए। गुरु भाई बहना राजा जो थे, राजा अपने बेटी से बोले, बेटी जब तू बड़ी हो गई थी तो मुझसे बताई नहीं। गुरु भाई बहना बेटी थी बोली, पिताजी बेटी तो पिता के लाज होती है, आपका मर्जी, आप विवाह करे तैयो नहीं करे तैयो, बेटी आपसे नहीं कह सकती है। गुरु भाई बहना बेटा बोला, पिताजी हम गले का हार उतार के इसलिए दे दिए थे, इनका बात सुनकर मैंने तो सारा दिन सोच रखा था कि मैं आपको कब काट कर और अपना राजपाट हथिया लूं, लेकिन जब ये बोले कि घड़ी बीती है रात नहीं थोड़ा बाकी है, तो हम सोचे कि अब नहीं तो तब मेरे पिताजी कभी न कभी मेरा पर सौंप भी देंगे राज, इसीलिए आपको मारने वाले थे पिताजी, हम मार देते लेकिन इनका बात सुनकर और मेरे पास मोह माया लगा। गुरु भाई बहना राजा ऐसा बात सुनकर बेटे से भी गलती माने कि बेटा आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, पूरे प्रजा से भी क्षमा मांगे। और राजा पूरा खुशी खुशी अपने राज में जो भी उनके पास धन था वो धन का बंटवारा किए, अपना बेटा का राज अभिषेक कर दिए और बेटी को एक अच्छे राजकुमार देखकर विवाह कर दिए और बेटा राजा राज इस्तीफा देकर वन में चले गए, वन में एक सन्यासी जीवन बिताने लगे, राज धन लोभ मोह माया सब त्याग कर बेटी को विवाह कर दिए, बेटा को अपना राज सौंप दिए, राज में धन का बंटवारा कर दिए और सन्यासी बनकर वन में चले गए। तो गुरु भाई बहना बेटी बनी बोझ, बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी तो प्राय घर के लिए बनती है। गुरु भाई बहना हम भी एक दूसरे घर आए हैं, आप भी दूसरे के घर गए हैं, जो भी माताएं बहने हैं एक दूसरे घर से ही दूसरे घर गए हैं और ये तो परंपरा है, परंपरा के अनुसार ये सब होती है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।